नमस्कार, आज मैं प्याज और आलू का रायता बना रही हूँ। आइए बनाना शुरू करते हैं। एक उबला हुआ आलू लिया है, आलू को काट लेंगे। ये देखिए, हमने ज़्यादा मोटा नहीं काटना, ऐसे ही काटना है। एक प्याज लिया है, प्याज को भी काट लेंगे। आलू और प्याज को काट लिया है, हरी मिर्च को भी काट लेंगे। दही को डालेंगे, दही को फेंट लेंगे, दूध डालेंगे। आधा कप दूध डाल दिया है, मिलाएंगे, थोड़ा सा दूध और डाल देंगे, मिलाएंगे, गैस को ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पर करेंगे, तेल डालेंगे, तेल को गर्म करेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, मूंगफली डालेंगे, मिलाएंगे, हल्दी डालेंगे, उबले हुए आलू डालेंगे, मिलाएंगे। लो फ्लेम पर 1 मिनट हमने भूनना है। 1 मिनट हो चुका है, लगातार हमें लो फ्लेम पर चलाते हुए गैस को बंद करेंगे, इसे ठंडा करेंगे। प्याज डालेंगे, काला नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, काली मिर्च, लाल मिर्च, पीसा हुआ जीरा पाउडर, धनिया डालेंगे, मिलाएंगे। आलू और मूंगफली ठंडी हो चुकी हैं, इसे मिलाएंगे, मिलाएंगे। आलू और प्याज का रायता बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो घर पे बनाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।